देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। पूरा देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी अपने परिवार में तो सबसे छोटे थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। गांधी जी पर जितना लिखा जाए उतना कम है। आजादी में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको गांधी जी के जीवन की एक झलक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। महात्मा गांधी से जुड़ी कई बातें आप जानते भी होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर रोज काम में आने वाली भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी की ही तस्वीर क्यों छपी होती है, और नोट पर छपी फोटो कहां से ली गई है? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार साल 1996 में महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोट चलन में आए थे। उसके बाद 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 और 2000 रुपए वाले नोट छापे गए। अभी वर्तमान में 1000 रुपए का नोट चलन में नहीं है, जबकि 500 रुपए के नोट का नया नोट मार्केट में आ चुका है। पहले अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का फोटो और अशोक स्तंभ की फोटो नोट के बाईं तरफ निचले हिस्से पर प्रिंट कर दी गई। एक आरटीआई में सामने आया था कि साल 1993 में आरबीआई ने नोट के दाहिनी तरफ महात्मा गांधी का चित्र छापने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। गांधी जी के जीवन से जुड़ी और भी बहुत सी बातें काफी दिलचस्प हैं। उनके जन्मदिन को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी के बारे में विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को इस बात का यकीन नहीं होगा कि धरती पर ऐसा भी हाड़ मांस का बना कोई आदमी कभी रहा होगा। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बापू ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन किया, इसके बाद भारत आ गए। उन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन किए। गांधी जी को उनके जीवन काल में ही आदर और श्रद्धा से अनेक नामों से विभूषित किया गया। वे नाम उनके पर्याय बन गए हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें महात्मा का सम्मान दिया। राजनीतिक तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भले ही गांधी जी से असहमत रहते हों, लेकिन उनका सम्मान करना कभी नहीं भूले। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले नेताजी ही थे। गुजरात के लिए वो बापू थे, तो चर्चिल के लिए नंगा फकीर। HS न्यूज के लिए राज मिश्रा की रिपोर्ट। वैष्णव जन तो देने कहिए जे। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें HS न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।